प्रदेश में हाउसिंग बिजली कटौती को लेकर जनता परेशान है और आज हमारे साथ है ऊर्जा मंत्री प्रीवत सिंह जी। प्रीवत जी लगातार आ रहा है आपके विधायक, कांग्रेस के विधायक जी कहते हैं कि मैं अगर मंत्री होता तो मैं जेल में डाल देता, इस तरह की बातें आती, क्या कह रहे हैं? किसी मंत्री ने कहा क्या? किसी आपके विधायक ने कहा? सर विधायक ने कहा। देखिए मेरा अनुरोध है सम्माननीय विधायक जी से और सभी सम्माननीय हमारे साथियों से कि कोई भी मंत्री किसी को भी बिना तथ्य के जेल में नहीं डाल सकता। वो तथ्य लाके दें तो उन्हें मंत्री बनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं जेल पहुंचा दूंगा। किसानों को 10 घंटे बिजली देने की बात कह रही है कांग्रेस सरकार, कहां तक पहुंचे? आपने 13 वचन दिए थे आपके विभाग की तरफ। हमने इंदिरा गृह ज्योति योजना के माध्यम से गरीब व्यक्ति को जो 100 यूनिट तक की बिजली इस्तेमाल करता है उसको 100 रुपए में बिजली देने का जो वादा किया था वो पूरा किया है। 1 रुपए यूनिट में बिजली हम दे रहे हैं। दूसरा इंदिरा ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से हमने किसानों का बिजली बिल हाफ किया है। आरबीसी 6-4 के प्रावधानों अनुसार पशु हानि पर विद्युत से अगर पशु हानि होती है तो उससे किसानों को मुआवजा देने की बात जो हमने को लागू किया है। 19-12 का सिस्टम हमने चालू करवाया है और 19-12 को मजबूती से इसकी सिस्टम बढ़ोतरी करके इसको मजबूत भी करने का हम कार्रवाई कर रहे हैं। साथ साथ ही आने वाले समय में आदिवासी मजरा टोलों में विद्युतीकरण की जो बात हमारे वचन पत्र में की गई उसको भी करेंगे और अनुकंपा नियुक्ति पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। सर संबल योजना पूर्व सरकार लेके आई थी 200 रुपए में बिजली देने का, आप लोग 100 की बात करते हैं लेकिन जनता कहती है कि नहीं 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 वो तो शिवराज जी देखे गए, क्या कहना है? संबल को तो हम पहले ये कह चुके थे, संबल तो उन्होंने एक चुनावी कंबल बांटा था और वो चुनावी कंबल उनका असफल रहा। देखिए स्पष्ट है, अब इसमें कुछ कहने की जरूरत है क्या? इंदिरा गृह ज्योति योजना में 100 यूनिट 100 रुपया, संबल में 100 यूनिट 200 रुपया, तो अंतर है इसमें। विपक्ष लगातार जो सत्ता पक्ष का भी हो रहा है चिमनी यात्रा निकाल रहा है, लालटेन यात्रा निकाल रहा है पूरे प्रदेश में, ऐसी स्थिति की बात करता है कि हाहाकार मचा है बिजली बहुत जोरदार बात है। चिमनी यात्रा, चिमनी लेके निकले भाजपा के नेता और आसपास लाइट जल रही थी, तो चिमनी यात्रा का क्या लॉजिक? आपने वीडियो देखे हैं, आपकी आप ही के टीवी चैनलों ने चलाए हैं, हमने भी आप ही के टीवी चैनल पे देखे कि भाई बाजार में विद्युत सप्लाई निरंतर है और चिमनी लेके भाजपा के नेता निकल रहे हैं, तो कोई औचित्य नहीं है। ये माहौल बनाने की बात है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में ये एक्सेप्ट नहीं कर पाई है कि मध्य प्रदेश की जनता ने उन्हें विधानसभा में नकारा। अब वो बात एक्सेप्ट ना करें और कहें कि हम लोकसभा जीत गए, हमें ज्यादा वोट मिले, सीटें कम मिली, ये सरकार लंगड़ी है लूली है, सरकार है, सरकार कैसे बनती? संवैधानिक फ्रेमवर्क है उसमें सरकार बनती है, कोई मर्जी से सरकार बन नहीं जाती। संवैधानिक फ्रेमवर्क के अनुसार मध्य प्रदेश की विधानसभा के फ्लोर पे इस सरकार ने बहुमत सिद्ध किया है। जी जी एक एक अंतिम प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में बिजली की आपूर्ति क्या है इस समय, और सरप्लस है या माइनस? सरप्लस इस समय तक। तो ये हमारे साथ थे ऊर्जा मंत्री प्रीवत सिंह जी, और प्रीवत सिंह जी का कहना है की मध्य प्रदेश में सरप्लस बिजली है और जनता को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, विपक्ष सिर्फ रहा है। तो आप आपकी न्यूज नेटवर्क के लिए भोपाल से दिनेश कपूर।